चपड़ा से कोई इंसान अच्छा नहीं होता। अरे आप इतने छोटे हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ब्रांड वाला कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे अपना ब्रांड बनाओ, इतने ऊंचाई पर जाइए कि ठेला पर से भी कपड़े खरीदना तो लोग एज्यूम करें। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में पता लगेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा, उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। जहाँ तक बात कहना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट के अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज्यादा होता है, गांव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है, उसके पास पसीना होता है ना तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहां पर, उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है। जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। अगर आपके पास तैयारी है तो आपको न एक कॉन्फिडेंस आएगा, जब एग्जाम गेट पर रहेंगे ना तो मन करेगा तूर के घुस जाए गेटवा, नहीं समझाया? बस वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप देखिएगा 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में ना जो नहीं आने रहेगा ना मारेंगे तो तुक्का भी सही लगेगा। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा। हमेशा इग्नोर करना सीखिए। बड़े बड़े लोग हमेशा क्या करते हैं, आजकल के समाज में ना देखते हैं लड़का लोगों को, हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो, और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करिए। सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा? जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पर उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना, बहुत बहादुर रहे हो।